हाई विंड्स ब्लो हाई माउंटेन्स, अर्थात बड़े लोगों की बड़ी बातें। आज मैंने जो शब्द लिया है वो बहुत छोटा सा शब्द है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, DIN। और वैसे लोग अगर इसको देखेंगे तो हिंदुस्तानी लोग इसको दिन बोलेंगे, दिन। और इतना आसान शब्द है ये, लेकिन इसका उच्चारण है दिन, डा है दिन। नाउन और वर्ब दोनों है ये, इसका हिंदी भी अच्छी है, इस अर्थ भी अच्छा है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यदि इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाए तो DINNED इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। DIN पहले मैंने नाउन की तरह इस्तेमाल किया है, उसके बाद इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। देखें सिनोनिम्स, इसके सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हुए, नॉइज, क्लैमर, हबब। एंटोनिम इसका हुआ विलोम शब्द, इसका हुआ साइलेंस। एग्जाम्पल देखें, एज ए नाउन, मैंने यहां लिख भी दिया है, संज्ञा के बतौर इस्तेमाल किया गया है। व्हाट ए टेरिबल डिन दिस मशीन मेक्स, कितनी भयानक आवाज ये मशीन करती है, कितनी भयानक आवाज है इस मशीन की। द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए डिन, बच्चे शोर मचा रहे थे, अर्थ होता है इसका शोरगुल, शोर मचाना। शोरगुल नाउन है, शोर मचाना वर्ब है। व्हाट ए टेरिबल डिन दिस मशीन मेक्स, कितनी भयानक आवाज करती है ये मशीन। द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए डिन, बच्चे तो शोर मचाते ही हैं, बच्चे शोर मचा रहे थे। द हॉल वाज फुल ऑफ डिन, अर्थात शोर से भरा हुआ था हॉल, हॉल में बहुत शोर मच रहा था, क्लासरूम में बहुत शोर मच रहा था, यानी कक्षा में। तो इसकी जगह, हॉल की जगह क्लासरूम लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द क्लासरूम वाज फुल ऑफ डिन, कक्षा में बच्चों ने शोर मचा रखा था, कक्षा में बहुत शोर था। अब इसको एज ए वर्ब मैंने इस्तेमाल किया है, तो इसके मैंने कई सेंटेंसेस दिए हैं, वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हुई इसकी डिंड, DINNED। द पॉलिटिशियंस डिन इन द पार्लियामेंट, यानी संसद भवन में पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिज्ञ लोग बहुत शोर मचाते हैं, शोर मचाते हैं। यदि आपको बहुत लगाना है तो ए लॉट लगा दें। द पॉलिटिशियंस डिन इन द पार्लियामेंट एलॉट, बहुत शोर मचाते हैं। द चिल्ड्रन डिंड एलॉट, बच्चों ने बहुत शोर मचाया। वाई डू यू ऑलवेज डिन, तो हमेशा क्यों शोर मचाते हो, क्यों शोर मचाते हो तुम, वाई डू यू ऑलवेज डिन, तुम हमेशा शोर क्यों मचाते हो। द स्टूडेंट्स डिंड ड्यूरिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने शोर मचाया। माई नेबर्स ऑलवेज क्वेरल एंड डिन, मेरे पड़ोसी हमेशा लड़ते झगड़ते हैं, शोर मचाते हैं। माई नेबर्स ऑलवेज क्वेरल एंड डिन, झगड़ते हैं, शोर मचाते हैं। इट इज यूजलेस टू डिन हेयर, यहां शोर मचाने का क्या फायदा, अरे जाके वहीं बोलो, वहीं शोर मचाओ, यहाँ शोर मचाने का क्या फायदा। इट इज यूजलेस टू डिन हेयर, अर्थात यहाँ शोर मचाने का क्या फायदा। वाई आर यू डिनिंग विदाउट राइम और रीजन, अरे बिना बात तो शोर को मचा रहे हो, ये अलग सेंटेंस है। माई नेबर्स ऑलवेज क्वारल एंड डिन, इट इज यूजलेस टू डिन हेयर, इफ यू वॉन्ट टू डिन गेट आउट, अगर तुम्हें शोर मचाना है ना बाहर निकल जाओ, शोर मचाना है तो बाहर निकल जाओ, कहीं और जाके शोर मचाओ। ही डिन्स ए लॉट आफ्टर टेकिंग वाइन, शराब पी के खूब घर में दंद काटता है वो, शोर मचाता है शराब पीकर। ही डिन्स ए लॉट आफ्टर टेकिंग वाइन या एल्कोहल, वो शराब पी के खूब शोर मचाता है। वास्तव में डिन है क्या, कैसा शोर है, इसका असली अर्थ क्या है।
ऐसा शोर, मैंने यहाँ पे अर्थ लिख दिया है अंदर का इसका, ऐसा शोर जो बहुत देर तक चले और बहुत कानों को काटे, बुरा लगे, आदमी उस शोर में रह ना पाए, ऐसा शोर दिन कहलाता है। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।